नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी, देश के जाने माने उद्योगपति और एरिस्टो फार्मा के प्रबंध निदेशक उमेश शर्मा और भोला बाबू ने आज बिहार के विकास और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने को लेकर एक बड़े संकल्प की घोषणा की है। दरअसल उमेश शर्मा आज बरबीघा के पहुंचे थे और वहां उन्होंने श्री कृष्ण बाबू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री कृष्ण बाबू यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के गृह जिले में पहुंचे हुए उमेश शर्मा ने आज विकसित बिहार को बनाने की दिशा में जो सपना श्री बाबू ने संजोया था, उसी सपने को साकार करने की दिशा में अपना सहयोग देने के लिए आज बरबीघा के मेहूस गाँव गए और वहाँ उन्होंने अलग अलग विकास योजनाओं की दिशा में अपने सहयोग को लेकर के बड़ी बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने वहाँ के एक विद्यालय में कई कार्यक्रमों की रूपरेखा में अपनी भूमिका अदा करने को लेकर के बड़ी बातें कही और इस दौरान मेहूस सहित आसपास के इलाकों में किस प्रकार से एरिस्टो फार्म और उनके जो अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा जो सक्रिय काम चलते हैं, इसमें पूरे बरबीघा इलाके में क्या किया जा सकता है, इसकी पूरी विस्तृत रूपरेखा आज उमेश शर्मा ने बरबीघा में पेश की। और मेहूस में विशेष करके उन्होंने बताया कि कैसे समाज सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा ग्रामीण भारत को विकसित करने में उनके अलग अलग योगदान रहे हैं और उसी योगदान को अब मेहूस में भी साकार किया जाएगा। तो मेहूस पहुंचे उमेश शर्मा और भोला बाबू ने आज वहां और क्या क्या बातें कही है, इन तमाम चीजों को आप सुनिए भोला बाबू की जुबानी। मेरा कार्यक्रम पूरे बिहार और स्पेशली जहां मैं पहचानता हूँ लोगों को, ये लोग मेरे को पहचानते हैं, वहाँ जा जा करके मैं विकास कर रहा हूँ। विकास हर एक तरीके से है, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, कम्युनिकेशन में हो, पानी पीने का पानी हो, स्कूल जहाँ बोला शिक्षा में, सारे स्कूल में मैं लड़का लड़की का शौचालय, पुस्तकालय, जहाँ टेबल बेंच नहीं है वो दे रहा हूँ, और जहाँ बहुत गरीब लोग, आप जानते हैं कि बिहार में ऐसे भी गरीबी बहुत है, और यहाँ मैं देखता हूँ कि आशा और उम्मीद लोगों का बहुत है मुझसे, जो कैसे उनको दे सकूँ, क्या दे सकूँ, तो उस मेरा सफर है कि कैसे बिहार में विकास करूँ। इसके पहले भी मैं बरबीघा आया था, बरबीघा में यहाँ बैठे हैं कुणाल जी हैं, दीपक जी हैं, क्योंकि पंचायत के मुखिया हैं, वहाँ मैंने गोद लिया कई गांवों को, और वहाँ पर गोद लेकर के पूरा नली गली और पीने के पानी के लिए चापाकल या सौर लाइट ये सब दिया हूँ। इनका एक पंचायत है, पंचायत में भी सामुदायिक भवन जो कंप्यूटर वगैरह मैं दिया हूँ। इसके अलावा यहाँ अभी बहुत समस्या है सामुदायिक भवन का, जो कि पहले आप लोग जानते ही हैं गांव का कल्चर रहा है कि यहाँ के शादियाँ स्कूलों में, बारात आता थे स्कूल में दिखता है, अभी शिक्षा विभाग ने इसको सर्कुलर देके रोक दिया है कि वहाँ बारात नहीं टिकना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सारे गांव में मैं सामुदायिक भवन भी दूँ, जिसमें बारात टिकाने या और कुछ फंक्शन करने या लाइब्रेरी बनाने में अपने स्टूडेंट छात्रों छात्राओं को मदद मिल सके। जनसुविधा केंद्र के लिए कंप्यूटर भी सर, मेहूस के लिए क्या सलाह? मेहूस के लिए मैं वही दूंगा जो सब जगह दे रहा हूँ, यहाँ मेहूस में सारे स्ट्रीट लाइट दूंगा, चापाकल दूंगा, स्कूल कॉलेजों में जैसा बोला कि शौचालय नहीं हुआ शौचालय दूंगा, लाइट दूंगा, और अगर मैं ये लोग जमीन दें तो और आगे आने वाले जिलों में जो हमारे CSR के अंदर में हर विकास का काम करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं विकास करता हूँ, तो ज़रूर मेहूस भी गाँव या अगल बगल के, और सिर्फ मेहूस नहीं, पूरा मेहूस पंचायत और अगल बगल के भी पंचायत को मैं जाता हूँ। कितना कितना गांव पर सर अभी चुनाव का माहौल है, ऐसे में आपका जो कुछ राजनीतिक संदेश भी देने में कामयाब है? नहीं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा हूँ कि हम लोकसभा के इलेक्शन लड़ूँ, वहाँ राज्यसभा के लिए होगा।
लेकिन मैं लोकसभा में उतना नहीं हूँ और विकास और राजनीति का कोई मेरा उसका एक सम्मेलन नहीं है, दोनों एक साथ विकास विकास ही होता है। विकास अगर हम CSR का फंड है और यहाँ नहीं करूँ विकास तो क्या करूँ। पूरे बिहार में विकास कर रहे हैं, पूरे बिहार को तो स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कर रहे हैं सर? स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? अब गया में, गया जो है आप जानते हैं रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, तो गया क्षेत्र में भी विकास करवा रहा हूँ, तो इसका कोई इलेक्शन लड़ना या उसका राजनीति से अब तक कितने गाँव को सर लिया गया अब तक? सर अभी तक मैंने 150 गाँव को डेवलप कर चुका हूँ, अगले मैं 100 गाँव ले रहा हूँ विकास के लिए, उसमें यहाँ भी मेहूस भी। क्या लगता है सरकार से छूता रहा है इसके किस मायने में? क्या देखिए छूता तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना कर सकता हूँ कि सरकार से छूता है या नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ जहाँ कमी है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, उस रूप में विकास मैं कर रहा हूँ। जहाँ नहीं है सरकार का अपना काम होता है, अपना कर रहा है, कर रही है सरकार। आपके आपका जो ये मुहिम चला रहा है इसमें सरकार प्रशासन का भी मदद मिलता ही है? प्रशासन देखिए कोई चीज़ सी जो भी है आपका NOC लेना पड़ता है, NOC सरकार देती है और सरकार क्या करेगा, सरकार तो कुछ भी करेगी नहीं। हम लोग CSR से फंड लेते हैं, उनको परमिशन देना है, NOC देना है। कितना खर्च करने का कोई लिमिट रखते हैं क्या? ऐसा अभी कुछ नहीं है, जो CSR में फंड है उसी में से हम लोग कर रहे हैं और दूसरे कंपनियों के फंड से मैं कोशिश करूँ कि बिहार को डेवलप करूँ, यही मेरा उद्देश्य है आने का, विकास ओनली विकास। चलिए।